इसी कांड में हनुमान जी को मेरी माँ का दर्शन मिला हो, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को पहले सीता जी ने बेटा कहा, फिर राम जी ने बेटा कहा, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना सीता जी को मिली, सीता मैया की सूचना राम जी को मिली, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में भगवान ने हनुमान जी को अनुपायनी भक्ति प्रदान की, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में भगवान ने विभीषण जी का राज्याभिषेक करके लंका का राजा घोषित कर दिया, इसलिए कांड सुंदर कांड। अनेक कारण है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे प्रारंभ में। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, पता लगाकर आकर भगवान को बताइए। बाबा कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय ते भाए, अब लगि मोहि परखेउ तुम भाए, सहि दुख कंद मूल फल खाए। तब लगि मोहि परखेउ तुम भाए, सहि दुख कंद मूल फल खाए। संध्या बेला में हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश किए। बाबा कहते हैं, मस्तक समान रूप कपि धरे, मस्तक समान रूप कपि धरे, लंकहि चलउ सुमिरि नर हरे, लंकहि चलउ सुमिरि नर हरे, नाम लंकिनी एक निज चरे, नाम लंकिनी एक निज चरे, सो कह चल सिमोहि निंदरि, सो कह चल सिमोहि निंदरि, जानहि नहि मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, जानहि नहि मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके लंका में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे।